हेलो गाइस, तो आज चलो चलते हैं हमारे जंगल की सैर करने के लिए। तो आज हम आए हैं इन चीड़ के पत्तों, जिसे हम चलारू भी बोलते हैं, उसको इकट्ठा करने। तो इससे हम अपने जानवरों के लिए बिछौना बनाते हैं बरसात के लिए। और बिछौने के साथ साथ जब उसमें पशुओं के खुरों से पैरों से चलारू पिस जाता है तो उसकी खाद बन जाती है, नेचुरल खाद। तो आज देखिए, मौसम बहुत ही सुहावना है जंगल में। और इधर है हमारे बाबा बालक रूपी जी का मंदिर, जहां बाबा बालक रूपी जी ने थोड़ी देर विश्राम किया था। इसके प्रांगण में देखिए एक छोटा सा पीपल का पेड़ है। और देखिए, घने चीलों से होकर ये है हमारा जंगल। और निचली तरफ भी कुछ घर हैं। और इसके साथ ही देखिए, आज हम आपको दिखाने वाले हैं, यहाँ भी मोर ने पायल डाली हुई है। थोड़ा दूर है, जंगली मुर्गा भी उसके साथ नृत्य कर रहा है। मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, घनी चीलों में छुपा हुआ है मोर। ये है यहाँ देखिए, मोर ने पायल डाल रखी है। और देखिए साथ साथ में ये छोटा सा मुर्गा भी इसके साथ साथ घूम रहा है। देखिए अभी घूमेगा ये मोर, तो आपको दिखाई देगी इसके बहुत ही सुंदर पंख। देखो एक मोरनी भी आ गई इसके पास। देखिए, और देखिए फ्रेंड्स, ये है खजूर का पौधा। और ये देखिए, ये हमने चलार इकट्ठा किया हुआ है, जिसे हम रस्सियों से बांध कर अपने घर ले जाएंगे और टाइम टाइम पे पशुओं के लिए उसका बिछौना बनाएंगे। तो देखिए गाइस, ये है मोर। इसने इस हमारी तरफ मुंह किया हुआ है इस वक्त। और देखिए कैसे इतनी अच्छी तरह से नृत्य कर रहा है। और साथ में मुर्गा भी आवाज़ दे रहा है। इसके साथ हम आज का मौसम आपको दिखाएंगे। देखिए बादल छाए हुए हैं और सूर्य देव के भी थोड़े थोड़े दर्शन हो रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, मोर को एक बार फिर से मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखो ये सामने, ये है मोर। तो भी नाच नाच कर देखो मौसम का आनंद ले रहा है। और चलो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का नज़ारा। देखिए कितना अच्छा दृश्य है, घने घने पेड़ों में। देखिए बहुत ही अच्छा है यहाँ का नज़ारा। देखिए फ्रेंड्स, मोर फिर से दूसरी तरफ मुड़ गया है। ये देखिए वाइट वाइट नज़र आ रहा है ये यहाँ पे, क्योंकि पीछे से इसके पंख थोड़े थोड़े वाइट हैं। तो फिर से मुड़ने लगा। हाँ अब मुड़ रहा है, देखिए बहुत ही सुंदर। अब हमारी तरफ इसने मुंह कर लिया है। बस ये हमारी हमसे कोई 100 मीटर की दूरी पर है, पर थोड़ी झाड़ियों की वजह से ये आराम से अपना नृत्य कर रहा है और डर नहीं रहा है आज। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर लग जाते हैं अपने काम पे।
ये देखिए हमारे क्या क्या हथियार मैं लेके आई हूँ अपने साथ। ये है हमारी डाटी, ये रस्सियाँ, और ये है हमारा फावड़ा जिसे हम दंदाल्टी बोलते हैं। इससे हम चलार इकट्ठा करते हैं ऐसे और बांध बांध के घर में रख लेते हैं सेफ करके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, तो बने रहिए हमारे चैनल पे यूं ही, और लाइक ज़रूर करें अगर पसंद आए आपको वीडियो। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, मस्त रहिए।